अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइनेंशियल फंक्शन का एक और फंक्शन सीख रहे हैं जिसका नाम है रेट। यानी कि अगर आपके पास कुछ वैल्यूज इस तरह से मौजूद हैं जिसमें कि आपके पास लोन अमाउंट भी मौजूद है और इंटरेस्ट रेट मौजूद नहीं है, ड्यूरेशन आपको मालूम है और इंस्टॉलमेंट भी आपको पता है, तो आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट। याद होगा लास्ट वीडियो में हमने जो फंक्शन सीखा था पेमेंट का, तो आइए उसी वैल्यूज को हम इस पर पुट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे मेरे पास पीएमटी का फंक्शन आ रहा है, इस पे वैल्यूज लिखी 2,30%, 60% और इसकी जो पेमेंट है वो है 6,470 और परसेंट अमाउंट है 30। तो इसको हम क्या करते हैं, यहां से होम में जाके करते हैं कॉपी और यहां पर आके इसको हम कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज। जैसे मैं इसको पेस्ट वैल्यूज करूंगा तो ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा और बाकी वैल्यूज को मैं पुट कर लेता हूँ। ड्यूरेशन में मैं 36 की जगह पे 60 लिख देता हूँ और अब आपको आंसर तो पता ही है कि आंसर क्या आना चाहिए, 30। तो आइए फाइंड रेट करके हम मालूम करते हैं। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास जो अगला फंक्शन है वो है रेट। जैसे ही हम इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से फॉर्मूला में जाते हैं और फाइनेंशियल में जाते हैं, तो यहाँ से हमें एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम है रेट। जैसे हम रेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें रेफरेंस करना होता है यहाँ पे तीन चीजों का। नंबर एक, एन पर में हम वही ड्यूरेशन को बताएंगे, पीएमटी में हम यहाँ से पेमेंट बताएंगे और प्रिंसिपल वैल्यू में हम प्रिंसिपल वैल्यू बताएंगे। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना, रेफरेंस करने के बाद ओके कर देना है। तो आप कहेंगे सर जवाब आया 3%, जबकि यहाँ पे जवाब आना चाहिए 30%। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करने पे फॉर्मूला अपियर होगा यहाँ पे, चाहे तो आप यहाँ से एडिट कर लें या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ से एडिट कर लें। पूरे फॉर्मूले को मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। जैसे आप मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो एंटर करने पर आपको आपका इंटरेस्ट रेट मालूम हो जाएगा और ये वो बिल्कुल परफेक्ट इंटरेस्ट रेट है जो कि हमने पेमेंट निकालने में मालूम किया था। ठीक है, इसको करके देख लें। अल्लाह हाफिज।